हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। ट्राइडेंट में देखिए, आज आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको शेयर के अंदर आज तेज़ी क्यों देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की तरफ से एक बिग अनाउंसमेंट आई है 27 अगस्त को लेकर। तो कौन सी डेट है ये और इस डेट को क्या होने वाला है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों आप चाहे तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, द शेयर बाज़ार। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते हैं हर 2 दिन में एक। आज एक नया वीडियो आ चुका है ITC के ऊपर, ITC के केस स्टडी के ऊपर हमने वीडियो बनाया, तो आप जाके ये वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वो भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट आज आपको अपर सर्किट पे बंद होता हुआ नजर आया 17.95 पे। देखिए, आज शेयर ने यहाँ पे क्लोजिंग दिए 85 पैसे ऊपर था, 4.97% की तेजी है, यानी 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। और दोस्तों, सर्किट तब लगाया जब मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल अपोजिट आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आया। अब आपको देखने को मिलेगा पिछले एक महीने के अंदर करीबन 9% से ज्यादा शेयर बढ़ चुका है। और अब अपने दोस्तों, ये जो हाईज है इसको यहाँ पे शेयर टच करने की कोशिश करने वाला है, जो आपको पिछले एक महीने में लगते हुए देखने को मिले। देखिए, शेयर यहाँ पे आपको 18.05 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से आपको लगातार गिरावट बनती हुई देखने को मिली। लेकिन आज दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे शेयर ने आपको अपर सर्किट लगाया, साफ साफ ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि शेयर के अंदर आपको यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ देखने को मिलने वाला है। याद रखिएगा, इसका जो 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिला है वो 19.30 रुपए का लगता हुआ देखने को मिला था, और उसके बाद से आपको यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट तो हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। लेकिन आप शेयर डेफिनेटली यहाँ पे अपने प्रीवियस जो हाईज है, जो आपको पिछले एक महीने में लगते हुए देखने को मिले, उसको यहाँ पे कल हो सकता है कि ब्रेक कर दे, और कल 18 रुपीज़ के अबाव आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर हम आज यहाँ पे डिलीवरी की बात करें, वॉल्यूम्स की बात करें, तो फ्रेंड्स आज वॉल्यूम्स भी आपको बढ़िया देखने को मिली है। काफ़ी दिनों के बाद देखिए, आपको यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिली है। 2,61,55,478 वॉल्यूम्स हमको देखिए यहाँ पे देखने को मिली है। और अगर हम डिलीवरी पोजीशन भी देखते हैं, तो डिलीवरी पोजीशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अपर सर्किट लग गया है, तो मोर देन 50% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 57.68% यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी है। तो डेफिनेटली आपको जो आज देखने को मिला है कि शेयर के अंदर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला है, और आपको अपर सर्किट लगने के बाद देखिए काफ़ी जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो भी पेंडिंग देखने को मिले, तो इंडिकेशन यही होगा कि कल आपको साफ साफ यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। और गैप अप के साथ देखिए, शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कल 18 रुपये के ऊपर सस्टेन कर पाता है। अगर आप मान के चलिए कल 18 रुपये के ऊपर टिक जाता है, तो आप मान के चलिए शेयर के अंदर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तेज़ी होने की संभावना है। क्योंकि देखिए, 12 मई 2021 को यहाँ पे 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिला था, उसके बाद से लगातार हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन और गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब शेयर में साफ साफ देखिए यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी की इंडिकेशन दे रहा है, जो डेफिनेटली कल यहाँ पे आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन एक ज़रूरी बात, कंपनी की तरफ से एक नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। अब इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आई है, देखिए 27 जुलाई आज कंपनी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है अबाउट द AGM एनुअल जनरल मीटिंग। तो क्या कहा है दोस्तों कंपनी ने इस बेसिस पे, क्या बोला है मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों, क्या कहा है ट्राइडेंट ने यहाँ पे AGM को लेके, तो देखिए ट्राइडेंट ने साफ साफ कहा है कि 31st एनुअल जनरल मीटिंग देखिए आपको होती हुई देखने को मिलने वाली है, जिसकी तारीख रखी गई है 27 अगस्त। 27 अगस्त को देखिए यहाँ पे आपको AGM होती हुई देखने को मिलेगी, 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको होती हुई देखने को मिलेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सारी कंपनीज़ को लेके, बिकॉज जो AGM होता है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिलती हुई देखने को मिलती है। अभी काफ़ी टाइम है बिल्कुल यहाँ पे, एक महीने के आसपास, लेकिन 27 अगस्त को दोस्तों यहाँ पे कंपनी की AGM होती हुई देखने को मिलेगी। और कंपनी के दोस्तों अभी तक रिजल्ट की डेट भी निकल के नहीं आई है, रिजल्ट का डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कब निकल के आती है वो हमको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो आपको होता हुआ देखने को मिलने वाला है शेयर के अंदर। अब दोस्तों आपको बताता हूँ शेयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कितनों ने देखिए अपनी यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट करी है, कितनों ने क्वांटिटी ऐड करी है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रमोटर्स की देखिए लगातार यहाँ पे आपको स्टेक बरकरार रहती हुई देखने को मिल रही है, और हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा या तो प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी बहुत स्टेक बढ़ाई है या फिर आपको कॉन्स्टेंट देखने को मिली है।
अभी आप देखिए यहाँ पे जो दिसंबर 2018 तक करीबन 70% के आसपास होल्ड करते थे, आज देखिए 73.02%। यानी इस क्वार्टर में देखिए प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। और एक देखिए एक बार में प्रमोटर्स आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको अपनी स्टेक बढ़ाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज 73% स्टेक पहले से ही होल्ड करते हैं, 75-76 तक होल्ड कर लेंगे, उसके बाद देखिए ज़्यादा आपको स्टेक बढ़ाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्ड करके रखते हैं। FIS की बात करते, देखिए FIS ने अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 1.61% जो 1.61% 1.68% जो पहले यहाँ पे होल्ड करते थे, अब 1.60% ही देखिए वो यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने को मिलते हैं। DIS का देखिए बिल्कुल ना के बराबर आपको स्टेक देखने को मिलता है, 0.01%। गवर्नमेंट दोस्तों 0.92% यहाँ पे होल्ड करती है, जो पहले से ही देखिए यहाँ पे चालू है। पब्लिक का देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज FIIs और DIIs ने अपनी थोड़ी बहुत स्टेक कम किए, तो उसके कारण देखिए यहाँ पे पब्लिक के पास यहाँ पे थोड़ी सी स्टेक आपको आती हुई देखने को मिलेगी, 22.48, और अदर्स में आपको 1.96%। देखिए FIIs में जो होल्ड करते हैं वो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, लेकिन प्रमोटर में सबसे बड़ी बात ये कि ट्राइडेंट ग्रुप यहाँ पे खुद होल्ड करके रखता है, फिर मधुराज फाउंडेशन, ट्राइडेंट इंडस्ट्रियल कॉर्प, ट्राइडेंट कैपिटल लिमिटेड, तो यहाँ पे सारे देखिए जो ट्राइडेंट कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेक होल्ड करके रखते हैं, जो काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी बढ़िया बात है, लगातार वो आपको होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी देखिए वो अपने चेंजेस नहीं कर रहे, तो यही आपको देखिए सबसे बड़ी बात दिखती है कि हाँ प्रमोटर्स का खुद विश्वास है कंपनी के ऊपर, इसलिए देखिए वो अपनी स्टेक को ना तो चेंज कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो देखिए सिर्फ आपको बढ़ाने में चेंज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर के कल के टारगेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ट्राइडेंट के चार्ट पे हम निकालते, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइडेंट के लिए ये है कि शेयर आपको कल 18 रुपये के ऊपर टिकता हुआ देखने को मिल जाए। अगर कल 18 रुपये के ऊपर देखिए टिकता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि शेयर में एक रेजिस्टेंस तो ब्रेक होगा ही, लेकिन एक बढ़िया क्लोजिंग हमको देखने को मिल जाएगी। और अभी आपको देखने को मिला है पिछले 5 दिन में, देखिए कल आपको दूसरी बार अटेम्प्ट करता हुआ देखने को मिलने वाला है शेयर 18 के जोन के ऊपर जाने के लिए। और अगर कल ऊपर चले जाता तो आप मान के चलिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। देखिए लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, पिछले 1 महीने में आपको साफ साफ देखने को मिला कि शेयर ने बढ़िया तेज़ी दिखाई, लेकिन ऑलमोस्ट जो तेज़ी हुई है वो 18 रुपये 35 पैसे के ऊपर तक नहीं गई है। तो 18.35 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको देखिए शेयर क्रॉस कर देता है तो आप मान के चलिए शेयर में आपको पक्का यहाँ पे 952 की खाई लगते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट कल होने वाला है कि शेयर आपको कल कैसे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, 18 रुपीज़ का लेवल किस तरह से देखिए ब्रेक करता हुआ देखने को मिलता है, और अगर कल ब्रेक कर देता है फिर कल भी आपको अपर सर्किट पर बंद होता हुआ देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम कह सकते हैं कि शेयर आपको बहुत बड़ी बढ़त के साथ जाता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पे 52 वीक हाई नया बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल्स पे हम नजर देते हैं और कल के टारगेट्स के ऊपर बात करते हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल्स पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स साफ साफ यह हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा लास्ट मिनटों में यहाँ पे शेयर के अंदर आपको बाइंग तो बिल्कुल देखने को मिलेगी, बिकॉज अपर सर्किट पर बंद हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको खास देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पे रहती हुई देखने को मिलने वाली है कल शेयर का रेजिस्टेंस 18 रुपीज़ का रेजिस्टेंस अगर जैसे ही क्रॉस करेगा आपको शेयर एक वापस से नई जोन में एंटर करता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर 18.35 शेयर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा जिसको क्रॉस करने के लिए शेयर यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। और अगर दोस्तों ये जोन क्रॉस हो गया तो आप मान के चलिए कि आपको नया 52 का हाई लगता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो जिन लोगों को देखिए खरीदारी करनी है कल के लिए वो करंट लेवल के आसपास बाय करके रखें। कल का मुझे लगता है कि शेयर यहाँ पे 18 रुपये 25 पैसे तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कल मोस्ट प्रोबेबली देखिए अपर सर्किट शायद ही लगे, लेकिन यहाँ पे तेज़ी आपको कल बनती हुई देखने को मिलेगी, तो 18-25 का यहाँ पे टारगेट होगा। कल का स्टॉप लॉस यहाँ पे 17 रुपये 70 पैसे का आपको मान के चलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।